अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर वायर को एक सर्कल की फॉर्म दी गई 35 सेंटीमीटर जिसका रेडियस था इफ़ इट इज रीबेंट इन द फॉर्म ऑफ अ square, अगर उसको दोबारा से रीबेंट किया गया स्क्वायर की शेप में what विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द square? तो हमारी स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी एक साइड की अभी तक हम किसी और शेप से सर्कल की शेप लेते थे वायर को बेंट करके और अब हमारे पास सर्कल की शेप है और उसको रीबेंट करके हमने स्क्वायर बनाया है ये सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है ये रेडियस दिया हुआ है हमें 35 सेंटीमीटर का अब हमें इसे रीशेप करके स्क्वायर बनाना है ये बना है तो हमें इसकी स्क्वायर की साइड निकालनी है तो देखिए ये वायर है और वायर रीबेंड किया हुआ है तो हमें इसका मतलब क्या निकालना है इसकी ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये पूरी लेंथ निकालने के लिए हमें सर्कल का क्या निकालना है सर्कम निकालना है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है हमें दैट इज थर्टी फाइव सेंटीमीटर तो सर्कम कितना आएगा That is, 2 r होता है हमारा फॉर्मूला तो टू पाई की जगह ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और रेडियस हमारा आया थर्टी फाइव अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव थर्टी फाइव तो ये कितना आ गया टू फाइव 10 टेन और टेन इंटू ट्वेंटी टू एज टू ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया अब जितना इसका ये डिस्टेंस है उतना ही ये है चारों साइड्स का डिस्टेंस तो इसका मतलब पेरीमीटर पे, जब बाउंड्री की बात होती है तो पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा इक्वल है किसके सर्कम ऑफ सर्कल के सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल के तो कितना हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 220 सेंटीमीटर हो गया अब हमें साइड नहीं पता स्क्वायर की तो हम इसको एस मान सकते हैं तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एस है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दू साइड पेरीमीटर था हमारा टू ट्वेंटी सेंटीमीटर फोर इंटू एस साइड को एस माना था इसलिए एस तो एस कितना आ जाएगा हमारा टू ट्वेंटी अपनी जगह रहा और फोर डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन ज फोर फोर फाइव ज ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी तो साइड कितना आ गया हमारा 55 और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर तो हमें लेंथ ऑफ ईच साइड पता चल गई लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ द स्क्वायर इज 55 सेंटीमीटर इज द आंसर यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज अ स्टोन पैरापेट अराउंड इट वो कह रहा है एक वेल well है एक कुआं है कुएं का डायमीटर 140 सेंटीमीटर है जिसके चारों तरफ एक टाइप की वॉल कहीं या रेलिंग कहीं वो लगाई गई इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ दैरा Parapet is 616 cm Find the width of the parapet. hame ye keh हमें ये कह रहा है अगर edge की आउटर एज जो है उसकी लेंथ 616 हंड्रेड सेंटीमीटर है तो हमें विथ्स निकालनी है पैरापेट की कितनी होगी तो देखिए ये एक वेल है इसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर का राइट right? अब इसके चारों तरफ एक एक टाइप का पैरापेट कहें या वॉल कहें वो खड़ी करी गई देखिए ये चारों तरफ पैरापेट खड़ा किया गया अब वो कह रहा है इसका डिस्टेंस दे रखा है इसकी टोटल लेंथ दे रखी है इस पैरापेट की दैट इज 616 सेंटीमीटर जब ये बाउंड्री की लेंथ दे रखी है तो दैट मींस हमें सर्कम दे रखा है और हमें विथ्थ ऑफ पैरापेट निकालने मतलब ये कितनी चौड़ी हमने खड़ी की है ये बताना है तो कैसे करेंगे देखिए अगर हम इसका रेडियस और आउटर पोर्शन का रेडियस निकालते हैं अगर हम बाहर आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर देंगे तो ये हमें पाथ पता चलता है तो हमें ये वेर्थ पता चलती है तो हमें इनर का रेडियस तो पता चल जाएगा कैसे देखिए देखिए वेल की बात कर रही हूं सबसे पहले डायमीटर दे रखा है हमें वेल का कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना है वेल का रेडियस ऑफ वेल हमें पता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो डायमीटर था 140 सेंटीमीटर और उसका आधा कितना हो गया 70 सेंटीमीटर हो गया राइट अब हम पैरापेट की बात करते हैं अब पैरापेट के केस में हमें आउटर लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ पैरापेट कह दे रखी है थ ऑफ आउटर एज ऑफ पैरापेड दे रखी है ये कहें या सर्कम फ्रेंड्स कहे बात एक की है दिक्स वन सिक्स दे रखी है राइट right? अब हमें क्या निकालना है इसका रेडियस निकालना है आउटर एज का तो रेडियस दिया हुआ नहीं है तो लेट कर लेते हैं लेट द रेडियस बी रेडियस ऑफ आउटर एज ऑफ पैरापेट बी ऑफ पैरापेट बी आर है राइट आर सेंटीमीटर है तो कैसे निकालेंगे आर देखिए सर्कम का फॉर्मूला होता है टू पाई आर सर्कम हमें सिक्स वन सिक्स दे रखी है टू एज इट इज पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और रेडियस हमने आर माना था तो आर कैसे निकलेगा देखिए सिक्स वन सिक्स अपनी जगह रहा सेवन उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और टू इन टू ट्वेंटी टू डिवाइड में चले गए अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन ज़र टू टू थ्री ज़ा सिक्स टू ज़ीरो जो जीरो टू एट जो सिक्सटीन इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू इलेवन टू जो ट्वेंटी टू इलेवन एट जो एट्टी एट टू वन जो टू टू वन जो टू टू फोर एट तो हमारा रेडियस कितना गया फोर्टीन सेवन 98 एट और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर हमें पता चल गया आउटर एज का रेडियस और हमें इनर एज का रेडियस सेवेंटी निकाला था अभी अभी तो हम क्या निकाल देंगे वेथ ऑफ द पैरापेट निकाल देंगे वेड ऑफ पैरापेट कैसे निकलेगी देखिए रेडियस ऑफ पैरापेट में से हम रेडियस ऑफ वेल माइनस कर देंगे तो रेडियस ऑफ पैरापेट कितना था 98 सेंटीमीटर और वेल well का रेडियस कितना था 70 तो ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर तो इसका मतलब इस पैरापेट की विथ कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ बस इन टू रोटेशन एक व्हील है बस का तो ये व्हील है बस का वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2000 रोटेशन में इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर अगर ये डायमीटर व्हील का 98 सेंटीमीटर है तो तो 2000 रोटेशन में ये व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है तो पहले हम एक व्हील रोटेट करने में कितना डिस्टेंस कवर होता है ये निकालेंगे तो व्हील का ये आउटर पार्ट टच होता है रोड पे राइट right? तो इसका मतलब आउटर पार्ट का मतलब हमें क्या निकालना है सर निकालनी है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है हमें दैट इज 98 सेंटीमीटर तो रेडियस निकाल देंगे रेडियस ऑफ व्हील कितना होता है डायमीटर का आधा इज 98 का आधा तो ये कितना लिख सकते हैं टू फोर टू नाइन एटीन सेंटीमीटर अब रेडियस पता चल गया तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक रोटेशन का डिस्टेंस ऑफ व्हील कवर्ड इन वन रोटेशन इज देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था रोटेशन में व्हील का आउटर पार्ट यूज होता है तो वो कितना आ जाएगा टू पाई आर आ जाएगा तो टू एज इट इज पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और आर कितना आ गया हमारा फोर्टी नाइन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन जो सेवन 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 जो फोर्टी नाइन तो ये कितना आ गया सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन टू ज़र ट्वेंटी एट फोर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी इतना सेंटी मीटर डिस्टेंस एक व्हील एक रोटेशन में कवर करेगा तो आप देखिए एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टू थाउजेंड रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा डिस्टेंस of wheel covered in covered in 2000 rotation तो देखिए 2000 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 308 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 30 जीरो एज इट इज टू एट जिक्सटीन एंड टू थ्री ये आ गया इतना सेंटीमीटर अब हम या तो इसे मीटर में चेंज कर लीजिए या किलोमीटर में अगर हम छोटी यूनिट को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हमें पता है वन सेंटीमीटर वन अपॉन हंड्रेड मीटर के इक्वल होता है राइट तो एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स वन सिक्स थ्री ज़ीरोज़ इंटू वन अपॉन हंड्रेड भी लिख सकते हैं तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे दो ज़ीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए तो ये कितना आ गया हमारा सिक्स वन सिक्स ज़ीरो मीटर आ गया अब इसी तरीके से आप चाहें तो किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं वो पॉइंट्स में आ जाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं कैसे देखिए अब वन मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करते हैं छोटी को बड़ी यूनिट में तो डिवाइड होता है इतना किलोमीटर आ गया राइट अब एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स वन सिक्स जीरो इंटू वन अपॉन वन थाउजेंड अब देखिए क्योंकि नीचे तीन जीरो हैं तो तीन डिजिट पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो ये कितना आ गया सिक्स पॉइंट वन सिक्स किलोमीटर वन सिक्स जीरो लिखे हैं और सिक्स लिखे बात एक ही है तो अगर आप यहां पे आंसर छोड़ के आते हैं तो भी करेक्ट है ये आंसर लिख के आते हैं तो भी करेक्ट है और ये आंसर लिख के आते हैं तो भी करेक्ट है आपका आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन ना